नमस्कार, न्यूज टुडे इंडिया में आप लोगों का स्वागत है। बड़ी खबर लेकर आ रहे हैं, आप सभी को बताना चाहेंगे। ग्वालपुकुर गोलीकांड को लेकर बड़ी खबर आ रही है, आप सभी को बताना चाहेंगे बड़ी खबर। इस्लामपुर पुलिस जिला की ओर से जो आप लोगों को बताना चाहेंगे, जो जानकारी जो है इस वक्त रखा गया है कि ग्वालपुकुर जो गोलीकांड घटी थी, जिसमें मूल अभियुक्त जो है मोहम्मद नाजिश एहसान एंड राजबाबू, दोनों को जो है इस वक्त अरेस्ट कर दिया गया। आप सभी को बताना चाहेंगे ग्वालपुकुर गोलीकांड को लेकर बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज। ग्वालपुकुर गोलीकांड को लेकर जो मूल अभियुक्त थे नाजिश एहसान और राजबाबू, दोनों को जो है इस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया है। इस्लामपुर पुलिस जिला की ओर से जो जानकारी दी गई है कि कुछ देर पहले सोनापुर, जो कि चोपड़ा पीएस के अंतर्गत पड़ता है, सोनापुर के पास बिहार बॉर्डर पर चोपड़ा थाना के अंतर्गत सोनापुर के पास ही जो बिहार बॉर्डर है, उस बॉर्डर से मोहम्मद नाजिश एहसान और राजबाबू को अरेस्ट किया गया है। यह जानकारी इस्लामपुर पुलिस जिला की ओर से दी गई है। साथ ही साथ बताना चाहेंगे कि ग्वालपुकुर में इन दोनों के साथ साथ जो केस हुआ था ऑन द ग्वालपुकुर पीएस केस नंबर जो 75/23 जो केस नंबर है, उसी के विरुद्ध जो है कार्रवाई करते हुए पुलिस प्रशासन की ओर से जो तथ्य आ रहा है, बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज आप सभी के सामने रखना चाहेंगे। ग्वालपुकुर गोलीकांड जिसमें 3 व्यक्तियों को गोली लगी थी तथा 1 व्यक्ति मोहम्मद आरिफ की जो है मृत्यु हुई थी, इस घटना को केंद्रित करते हुए पुलिस प्रशासन की ओर से लगातार जो है अभियान चलाया जा रहा था। और जो जानकारी आ रही है कि उत्तर दिनाजपुर जिले के एकदम बॉर्डर में सोनापुर, जो कि चोपड़ा थाना के अंतर्गत पड़ता है, सोनापुर जो के पास बिहार जो बॉर्डर है, उस बॉर्डर पे मोहम्मद नाजिश एहसान और राजबाबू दोनों को जो है अरेस्ट कर लिया गया है। पुलिस सूत्रों के माध्यम से यह जानकारी दी गई है। साथ ही साथ जो जानकारी दी जा रही है कि कुछ देर पहले ही जो है इन लोगों की जो है गिरफ्तारी हुई है। साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे इस गोलीकांड की घटना को लेकर राजनीतिक महल बोलिए, सामाजिक महल बोलिए या फिर प्रशासनिक महल बोलिए, हर ओर जो है एक दबाव था। आम जनता से लेकर साधारण व्यक्ति सभी मांग कर रहे थे मूल जो अभियुक्त है नाजिश एहसान तथा राजबाबू दोनों को गिरफ्तार करना पड़ा और पड़ेगा, और यही जो मांग थी आम जनता साधारण व्यक्तियों की, और पुलिस प्रशासन जो है तभी से लगातार जो है विभिन्न जगहों पर जो है अभियान चला रही थी, और अंततः जो है पुलिस प्रशासन को इस केस में सफलता मिली है। मोहम्मद जो है एहसान, नाजिश एहसान और राजबाबू दोनों को जो है कुछ देर पहले ही जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। बिहार बंगाल जो बॉर्डर है, उत्तर दिनाजपुर जिले के एकदम कॉर्नर साइड सोनापुर के पास जो बिहार बॉर्डर है, उस बॉर्डर से दोनों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि चोपड़ा थाना के अंतर्गत पड़ता है। साथ ही साथ आप लोगों को बताना चाहेंगे ग्वालपुकुर में इस जो पिछले शुक्रवार को जो घटना घटी थी, जहां पर गोलीबारी हुई थी, मोहम्मद आरिफ की मृत्यु हुई थी, उसको लेकर जो है एक तरह से कह सकते हैं कि ग्वालपुकुर के हर अंचल में चाय के दुकान से लेकर हर अड्डे पे जो है एक ही चर्चा थी कि इस केस के अंदर जो मूल अभियुक्त है नाजिश एहसान तथा राजबाबू, उसको गिरफ्तार किया जाए। आप सबको बताना चाहेंगे कि परिवार की ओर से भी जब मोहम्मद आरिफ की मृत्यु हुई थी, पोस्टमार्टम के बाद उनके सब को लेकर जो ग्वालपुकुर थाना है उसके सामने रखा गया था, और वहां पर भी जो एक ही मांग की गई थी कि जो मूल अभियुक्त है उन लोगों को गिरफ्तार करना पड़ेगा। हालांकि पुलिस प्रशासन की ओर से जो पहले तथ्य रखी गई थी, कुल 13 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें जो है सात ऐसे नाम थे जिनका FIR में नाम नहीं था तथा 6 ऐसे व्यक्ति थे जिनका FIR में नाम था, लेकिन उसके बावजूद ग्वालपुकुर की आम जनता, साधारण व्यक्ति, साथ ही साथ अभियुक्त जो जिनकी मृत्यु हुई थी मोहम्मद आरिफ, उनके पिता की, उनके परिवार की साफ साफ मांग थी कि मूल जो अभियुक्त है
नाजिस एहसान तथा राज बाबू उन लोगों को गिरफ्तार करना पड़ेगा। आपको बताना चाहेंगे अभी जो समय हो रहा है इससे ठीक 48 घंटे पहले ग्वालपुकुर के लोधन इलाके में राज्य सड़क भी जाम किया गया था आम जनता साधारण व्यक्तियों की ओर से, और उस वक्त भी जो है पुलिस प्रशासन की ओर से आश्वासन दिया गया था कि 48 घंटे के अंदर जो है गिरफ्तारी अवश्य करने की कोशिश करेंगे। और पुलिस प्रशासन लगातार ग्वालपुकुर के साथ साथ बिहार बंगाल हर जगह पे जो है लगातार अभियान चला रही थी। और जो खबर आ रही है अब से कुछ देर पहले ही जो है बिहार बंगाल बॉर्डर उत्तर दिनाजपुर जिले के सोनापुर जो कि चोपड़ा थाना के अंतर्गत पड़ता है, उत्तर दिनाजपुर का एकदम अंतिम दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट और उत्तर दिनाजपुर का जो एकदम शेष प्रांत है सोनापुर, सोनापुर के पास जो बिहार है बिहार बॉर्डर पर जो है नाजिस एहसान तथा मोहम्मद राज बाबू का जो है गिरफ्तारी हुई है। पुलिस प्रशासन की ओर से कुछ देर पहले ही जो है इस बात की पुष्टि की गई है। आप सभी को बताना चाहेंगे पुलिस प्रशासन की ओर से कुछ देर पहले ही जो है इस बात की पुष्टि की गई है तथा नाजिस एहसान और राज बाबू को जो है चोपड़ा पीएस के अंतर्गत सोनापुर के बिहार बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ इन लोगों का जो जिस केस जो दायर की गई थी 75/23 उसी केस के अंतर्गत इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। आप सभी को बताना चाहेंगे कि एक तरह से कह सकते हैं कि उस दिन जो घटना हुई थी शुक्रवार को शाम को एक मामूली से बात को लेकर घटना हुई थी, बाइक संघर्ष को लेकर घटना हुई थी, धीरे धीरे घटना इतना बढ़ गया कि गोलीबारी तक बात चली गई थी। साथ ही साथ एक व्यक्ति की मृत्यु भी हुई थी, मोहम्मद आरिफ की इस घटना में मृत्यु भी हुई थी। उसी वक्त जो है आम जनता साधारण व्यक्ति अपना राजनीतिक रंग